कुछ भी कर लो, हम नहीं डरेंगे, देश हमारा, मुल्क हमारा, देश हमारा, तुम कुछ भी कर लो, तुम डंडा मारो, हम नहीं हटेंगे, तुम कुछ भी कर लो, हम लेकर रहेंगे, आजादी। आप पर पानी पर असर सर, हमारी मांग नहीं एक है, एक भाजप क्यों हमें नहीं करता चाहे भाजप ने रेलियो थी से चाहे भाजप में करवाता नहीं तो हमें संतोष तो भेमाभाई चौधरी आम आदमी पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष आज पूरा गुजरात की तमाम महानगरपालिकाओं पर आम आदमी पार्टी द्वारा शिक्षण फीना मुद्दे हमें आंदोलन कर रहा छे। ताजेतर में नामदार हाईकोर्ट द्वारा पर सरकार ऊपर निर्णय करवानु कहूँ छे, सरकार स्वतंत्र छे, परंतु सरकार ने अंदर बैठेला चूंटेला प्रतिनिधिओ द्वारा पोतानी स्कूलों चाली रही छे, एटले सरकार कोई निर्णय नहीं करी सकती अने संचालकों ने वारंवार छावरी रही छे। अत्यारे गुजरातनी अंदर आखा पूरा देशनी अंदर विश्वनी अंदर कोरोनानी महामारी चाली रही छे, आज धंधा रोजगार बंद है, आवको बंद है, एटले आज विद्यार्थियों स्टूडेंटों की फी वालीओ भरी सके एम नहीं, एटले वारंवार वालीओ द्वारा पण कहेवामां आव्युं छे के एक वर्ष माटे फी माफी करवामां आवे, पण आ बहेरी मूकी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार आ कहीं पण वालीओनो के स्टूडेंटो विद्यार्थियों सांभळे नहीं रही। आज पूरा गुजरातनी अंदर अमे तमाम वालीओनी साथे छीए, स्टूडेंटनी साथे छीए अने एक वर्षनी सरकार सरी तात्कालिक फी माफ करवामां आवे अने सरकार ने विनंती पण करीए छे कि जे संचालकों छे प्राइवेट स्कूलों एमने तात्कालिक वहीवटी खर्च पण एमने चूकवामां आवे। आजे प्राइवेट स्कूलों अंदर शिक्षकों पण शोषण थई रह्युं छे, 20-25 हज़ार रुपया पगार चोपड़े उधारवामां आवे छे, वास्तवमां एमने 50% पगार चूकवामां आवी रह्यो छे, तो जे कंई पण लालियाबीड़ी चाली रही छे तात्कालिक एमना उपर पण कार्यवाही करवामां आवे अने जे पण शिक्षकों छे एमने पूरतो पगार आपवामां आवे एवी पण अमारी मांगणी छे। अने आजे आंदोलन द्वारा अमे मेसेज आपीए छीए કે તાત્કાલિક એક વર્ષ માટે સ્ટુડન્ટની તમામ ફી માફ કરવામાં આવે અને સંચાલકોને એનો વહીવટી ખર્ચ ચૂકવવામાં આવે, એને લઈને આજે પૂરા ગુજરાતની અંદર તમામ મહાનગરપાલિકા ઉપર આમ આદમી પાર્ટીનું આંદોલન ચાલી રહ્યું છે। આવેદન વારંવાર અમે આપી ચૂક્યા છીએ પણ આજે અમે આ મીડિયાના માધ્યમથી સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ અને ચેતવણી પણ આપીએ છીએ, જો એક વર્ષની ફી માફી કરવામાં નહીં આવે તો ટૂંક સમયમાં પૂરા ગુજરાતનું અમે પૂરું આંદોલન કરીશું।